हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एफ्लुराज। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ थेरापेटिक मसाज। तो अगर आपको थेरापेटिक मसाज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप पहले मेरे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। तो आप उसको देखोगे तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा आसान होगा। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी अलॉन्ग विद प्रॉपर नोट्स अपडेटेड विद रीसेंट रिसर्चेस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस मेल। नो वॉट इज़ एफ्लुराज? तो एफ्लुराज जो होता है बच्चों, ये एक बहुत बेसिक टेक्निक होती है, स्ट्रोकिंग टेक्निक होती है, जो कि जब हम पेशेंट को मसाज देते हैं, थेरेप्यूटिक मसाज, वी यूज़ दिस। ठीक है, तो ये हम दो तरीके से दे सकते हैं, सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, इसका काम क्या होता है? स्टिमुलेट करना। ठीक है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, बेसिकली एफ्लुराज का ये काम होता है। तो अगर मैं इसको अपने फिंगर पैड या फिंगर टिप्स के थ्रू देती हूँ तो इट इज़ नोन एज सुपरफिशियल एफ्लुराज। और अगर मैं अपने पाम से देती हूँ या नकल से देती हूँ, जो मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, दैट इज़ नोन एज डीप एफ्लुराज। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग होती है, ये क्या करती है? ये हमें रिलैक्सेशन देने में हेल्प करती है। और ये जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करती है। वेयर एज जो डीप एफ्लुराज जब हम पेशेंट को देते हैं तो ये क्या काम करता है? ये मसल्स को इलोंगेट करता है। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एडिंग द वेनस रिटर्न, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, इंडिकेशंस क्या होंगे? मसल स्ट्रेन हो गया, शिंगलिंग टेक्निक हम यूजुअली लार्ज मसल्स के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज़ दिस टेक्निक। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, क्योंकि वो वेनस फ्लो इंक्रीज़ कर रहा है, हमारा रिटर्न इंक्रीज़ कर रहा है। यूजुअली जब हम स्पोर्ट्स मसाज टेक्निक में देते हैं, स्पोर्ट्स मसाज में जब हम एथलीट्स को देते हैं, तो उससे पहले हम ये एफ्लुराज की टेक्निक यूज़ करते हैं। टेक्निक क्या होता है? अब देखो, इसको जो एफ्लुराज की टेक्निक है, वैसे तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक बेसिक होता है और एक शिंगलिंग टेक्निक होती है। बट इन दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन रहती है कि इनको हम एक रिदमिक मैनर में परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि पहले हमने एक बार कर दिया, फिर दो मिनट का रेस्ट किया, फिर दोबारा कर दिया, नहीं, रिदम में चलते हैं ये। 1 2 3, 1 2 3 के रिदम में चलते हैं। ठीक है, और इनका डायरेक्शन कहाँ होता है? टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ। ठीक है, सो जो थंब है और जो हमारे फिंगर्स हैं या नक्कल्स, पाम, जिनसे भी हम दे रहे हैं, उनको हमें अच्छे से कॉन्टूर करना है विद द पेशेंट बॉडी पार्ट विच इज़ ट्रीटेड। अब देखो, टाइप ऑफ एफ्लुराज या टेक्निक ऑफ एफ्लुराज दो होती हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है शिंगलिंग। अब मैं आपको बेसिक की बताती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। अब देखो, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपको बैक का एफ्लुराज देना है, तो आपने अपने, और आपको डीप एफ्लुराज देना है, तो यू आर यूजिंग योर पाम्स। ठीक है, तो आपने दोनों हाथों को, जो ये लॉन्ग एक्सिस है, इसके अलाइनमेंट में रख लिया बैक की। ठीक है, देन यू आर डूइंग व्हाट? यू आर टेकिंग बोथ योर हैंड्स इन द सिमिलर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक एफ्लुराज टेक्निक। यहीं पे अगर आपको सुपरफिशियल एफ्लुराज देना हो, तो यू कैन यूज सुपरफिशियल वेन्स को, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को आपको स्टिमुलेट करना है, तो यू विल गिव इट थ्रू योर फिंगर टिप्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज एरिया है, लार्ज डीप मसल्स हैं, तो हम किससे स्टिमुलेट कर रहे हैं? थ्रू आर पाम्स और नकल्स। ठीक है, देन द नेक्स्ट टेक्निक बच्चों इज द शिंगलिंग टेक्निक। ठीक है, तो शिंगलिंग टेक्निक में देखो, बैक की ही दूसरी टेक्निक है। इस पे हमारे हाथों की प्लेसमेंट देखो, एक सबसे ऊपर है और एक सबसे नीचे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे बच्चों साइकिल का पहिया घूमता है ना, ऐसे हमें अपने हाथों की मूवमेंट करनी है। यानी कि एक हाथ नीचे की तरफ आएगा तो दूसरा हाथ उठ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इन अ साइक्लिक मैनर हमें ये टेक्निक देनी होती है। आपको पता चला दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिक वाले में दोनों हाथ एक साथ ऊपर जा रहे थे, एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, बट शिंगलिंग टेक्निक में क्या है कि दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दे वे विल मूव इन अ साइक्लिक मैनर। मत एक हाथ का हमेशा कॉन्टैक्ट आपके स्किन के ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज इन दी एफ्लुराज। तो आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन करी है, उसी के ही यहाँ पे नोट्स जॉट डाउन है कि टेक्निक कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द बेसिक एफ्लुराज, विच इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रोक यूज इन थेरापेटिक मसाज। थैंक यू।